वैसे आप लोग कुछ दिनों से कुछ जाना ही राजनीति से संबंधित न्यूज आप लोग सुन रहे होंगे, सोशल मीडिया पर भी छाई हुई है खरीद फरोख की। जिस तरह से विधायकों को खरीदा जाता है, एक सरकार गिरा दी जाती है, दूसरी सरकार बना दी जाती है। ये आज की बात नहीं है, बीजेपी के समय की ही बात नहीं है, ये कांग्रेस के समय भी काफी हद तक चली है। आप सोचिए तो मुझे लगता है कि हमारे देश की तरक्की में नेताओं का कुछ हाथ रहा हो या ना रहा हो, लेकिन इन्हें सरकारें गिराना, तोड़ना, मरोड़ना, इस तरह के काम करना अच्छे आते हैं। और क्या है कि इन्हें इसलिए आते हैं क्योंकि आप देखते हैं 70 से 80% हमारे यहाँ जो भी विधायक सांसद हैं वो विधायक सांसद हैं जिन पर या तो बलात्कार का केस लगा हुआ है, या फिर आप देखते हैं क्या, या फिर मर्डर किए हुए हैं, या फिर डकैत हैं। आप सोच सकिए उन लोगों से क्या उम्मीद रख सकते हैं आप लोग। देश को आगे ले जाने की उम्मीद तो छोड़ ही दीजिए। मैं बार बार कुछ दिनों से आपको बता रहा हूं कि अन्ना हजारे साहब, जिन्हें कौन नहीं जानता है, आपको सूचना का अधिकार उन्हीं की देन है, लोकपाल आपके लिए उन्हीं की देन है। तो उनसे किसी ने पूछा भी कि आप ही चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते हैं, तो उन्होंने एक शब्द कहा, मुझे बहुत मतलब अंदर तक झकझोर दिया उस शब्द ने, कि इतना करने के बाद, यानी कि अपनी जिंदगी पूरी देश के नाम करने के बाद, वो व्यक्ति अगर इस तरह के शब्द बोल रहा है तो ये हमारे लिए शर्म से, इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती है कि हम कभी चुनाव नहीं जीतेंगे, हमारी जमानत भी जब्त हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ के जो वोटर हैं वो कभी जागरूक हैं ही नहीं। उन्हें 500 हजार या फिर किसी धर्म का नाम ले दिया जाता है, उसी के नाम पर वोट दे दिया जाता है। वो आप सोचिए कि आप 1,500 या फिर किसी एक धर्म को लेकर वोट देते हैं तो आपके वोट का क्या हो रहा है, क्या जहां कहां जा रहा है। आप एक सांसद को या विधायक को चुन देते हैं, उसके बाद उस विधायक को किस पार्टी में शामिल होना है, कहाँ अपना मुंह मारना है, कहाँ अपना मतलब निकालना है, ये सब उस पर निर्भर रहता है। यानी कि आपकी औकात उसकी नजरों में कुछ नहीं है, समझ रहे हैं? आपको वो तुच्छ समझता है, बस आपको वोट के टाइम आपके द्वारा आ जाएगा, उसके बाद फिर से वही हाल रहेगा। तो आज हम बात करेंगे, आप लोगों ने देखा है तो राजस्थान में किस तरह से मचा हुआ है बवाल, उसी को लेकर ये आपका आर्टिकल आया हुआ है। एक संदर्भ देख लेंगे, पृष्ठभूमि भी देख लेंगे। 10वीं अनुसूची काफी चर्चा में बनी हुई है, तो आखिर का क्या होता है 10वीं अनुसूची में, क्या क्या प्रावधान है, उसके बारे में भी जानेंगे। क्यों प्रासंगिक है दलबदल विरोधी कानून की 10वीं अनुसूची, क्यों की जाती है दलबदल विरोधी कानून की 10वीं अनुसूची की आलोचनाएं, यानी कि इसकी बुराई क्यों की जाती है, क्या है 10वीं अनुसूची कार्यान्वयन से जुड़ी व्यवहारिक चुनौतियां, और 10वीं अनुसूची की खामियां को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव क्या हो सकते हैं। आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं अगर आपके पास कोई सुझाव है। एक बात हमेशा याद रखिए कि हमारे संविधान ने हमें अधिकार, बोलने का भी अधिकार दिया हुआ है, सूचना का अधिकार मिला हुआ है, शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है। आप सोचिए आपको लोकपाल मिला हुआ है, जब आप जागरूक नहीं रहेंगे तो किस तरह से इसका प्रयोग करेंगे, और किस तरह से प्रयोग नहीं करेंगे आप किसी भी तरह से, तो देश किस तरह से तरक्की कर सकता है, इसे आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। रिसोर्ट राजनीति और दल बदल कानून, राजस्थान में चल रही राजनीतिक उठापटक, एक बार फिर राजनीतिक दल बदल और दल बदल विरोधी कानून को चर्चा में केंद्र में ला दिया। पिछले कुछ समय में ऐसा ही राजनीतिक घटनाक्रम मध्यप्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर और अन्य राज्यों में देखा गया था, जहां विधायकों ने राजनीतिक दल बदल किए हुए थे। भारतीय राजनीति में रिसोर्ट पॉलिटिक्स का उद्भव विधायकों की इस दल बदल से बचाने का एक प्रयास है, जो यह दर्शाता है कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली में विधायकों की खरीद फरोख जैसी बुराई किस तरह घर कर चुकी है। यह एक ऐसा संवैधानिक अपराध है जिसके परिणाम स्वरूप जनता का राजनीतिक व्यवस्था से विश्वास कम हो जाता है। और सबसे ज्यादा हम लोग, अगर यहाँ आप समझें तो हम ही जिम्मेदार हैं इसके लिए। आप ही सोचिए कि आपके यहाँ का कोई विधायक जाकर किसी VIP होटल में ठहरा हुआ है और उसके बाद वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएगा, कुछ समय के बाद उसे आप लोग दोबारा चुन लेंगे। ये तो गलती आपकी ही हुई है ना, कि संकट की इस घड़ी में आपका साथ देना चाहिए था जिस व्यक्ति को, वो छोड़कर आपको चला जाता है, फिर भी आप उसे ही मानते रहते हैं, उसी की भक्ति करते रहते हैं, तो इससे ज्यादा शर्म वाली आपके लिए कोई बात हो ही नहीं सकती है। यह 1985 के दल बदल विरोधी कानून, जिसमें दल बदलुओं को आयोग्य ठहराने का प्रावधान किया गया, इसके बावजूद भी दल बदल का संविधानिक कृत्य कुकृत्य जारी है। इसमें सभापति, राज्यपाल, विधायक, विपक्षी दल
उस सत्तारूढ़ दल सभी की भूमिका इस दल बदल विरोधी कानून की भावनाओं को बनाए रखने में संदिग्ध है। सभी इस कानून के प्रावधानों में खामियों का उपयोग करके इस संवैधानिक कुकृत्य को जागृति रखने का प्रयास करते हैं। आप सोचिए एक बार, आप एक समय क्या हुआ करता था कि एक ही व्यक्ति का दिन में कहा 3 से 4 पार्टियां बदल दिया करता था। इसी को देखकर आपका 1985 में आपकी 10वीं अनुसूची लाई गई, जोड़ी गई। आप सोचिए कि आपको संविधान में तो इन्हें सजा देने का एक तरह से प्रावधान कर दिया गया है, इन दल बदलुओं को। अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप भी इन्हें सजा दीजिए, यानी कि वोटरों का भी तो कर्तव्य बनता है कि अगर वो इस तरह के कोई गलत काम करते हैं तो आप भी तो उस नेता को सजा दे सकते हैं अपना वोट ना देकर। लेकिन हम नहीं करते हैं, हम बस संविधान के भरोसे बैठे हुए हैं, अपना कर्तव्य कुछ भी नहीं हमारा, समझ रहे हैं? वही हाल है कि अगर आप पर कोई भरोसा कर रहा है, कोई आपको भगवान मान रहा है, आप जो बोल रहे हैं आप पर पूरी तरह से आंख बंद करके कह देता है कि आप सही हैं, फिर भी आप उसी की आंखों में धूल झोंक रहे। भाई आपका भी तो कर्तव्य बनता है कि उसकी सुरक्षा करें, उसकी रक्षा करें, उसके भरोसे को बनाए रखें, ठीक है? इसकी एक सामान्य पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत की स्वाधीनता की प्राप्ति के प्रथम आम चुनाव के बाद से ही कुछ राजनीतिक दलों के सदस्य क्षुद्ध स्वार्थ, यानी कि अपने स्वार्थ और पदलिपसा के लिए अपना दल बदलते रहे। यानी कि कहने का मतलब है सीधा कि अपने किसी को मंत्री पद मिल जाता है, किसी को पैसा मिल जाता है अपने स्वार्थ के लिए। जनता का स्वार्थ उनके लिए कुछ भी नहीं है, ना तो जनता के हित में सोचने के लिए उनका कोई प्रावधान है, उन्हें वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस तरह के काम करते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली में जब जब नैतिक मूल्यों तथा राजनीतिक मर्यादाओं का अवमूल्यन हुआ है, दल बदल की प्रक्रियाओं पर अंकुश लगाने की आवाज मुकर हुई है। दल बदल की इस प्रक्रिया को रोकने के संदर्भ में सर्वप्रथम 1968 में बाईवी चौहान की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। चौहान समिति की सिफारिशों पर सदस्यों में तीव्र मतभेद रहा। इसके बाद 1971 में भागवत सहाय की अध्यक्षता में भी एक और सहमति समिति का गठन किया गया। अंततः आपका 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दल बदल विरोधी कानून को पारित किया गया। इस संशोधन द्वारा विधेयक द्वारा आपकी संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 191 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि 10वीं अनुसूची के अधीन नियोग घोषित किया हुआ व्यक्ति क्रमशः संसद और विधानमंडल की सदस्यता के लिए आयोग होगा। आप यहां से समझिए कि कोई अगर किसी पार्टी में शामिल होता है तो दल बदल उस पर क्या करेगा कि उसकी सदस्यता रद्द कर सकता है। लेकिन आप देख रहे हैं नेता बहुत चालू होते हैं, आप सोचिए कि उनका दिमाग बड़ा मतलब खुल कैसा टाइप का रहता है, अपने स्वार्थ के लिए कोई भी मर्यादाएं कितने भी कुछ भी कर्म कर सकते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं। ये क्या करते हैं कि एक पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं और दूसरी पार्टी में शामिल होकर उससे चुनाव लड़ जाते हैं और जीत जाते हैं। तो इससे ज्यादा शर्म हमें खुद करनी चाहिए कि ठीक है संविधान ने उन्हें सजा दी, सदस्यता रद्द कर दी उनकी, लेकिन आपको भी तो करना चाहिए, वो चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें वोट मत दीजिए। आप ऐसा करके उन्हें मतलब आप भी अंकुश लगा सकते हैं उनके ऊपर। आप सोचिए संविधान ही सब कुछ दे दे, ऐसा ना तो संभव हुआ है और ना ही कभी संभव होगा। 10वीं अनुसूची के अगर हम लोग प्रावधानों की बात करें तो निर्हलता, 10वीं अनुसूची में दल बदल परिवर्तन के आधार पर सांसद या फिर विधायक निम्नलिखित प्रकार से निरर्थ साबित हो सकता है, यानी कि आयोग हो सकता है। एक सदस्य जिस दल के टिकट पर चुना जाता है उस दल की स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ देता, दल के सचेतक के विरुद्ध मतदान करता, यदि इस तरह की कार्यवाही करके उसके दल के द्वारा की जाती है तो कोई अयोग्यता नहीं होगी। निर्दलीय सदस्य यदि किसी भी दल में शामिल हो जाते हैं, मनोनीत सदस्य नामांकन के 6 महीने तक किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं, यदि 6 महीने के बाद किसी दल में शामिल होते हैं तो उन्हें आयोग घोषित कर दिया जाएगा। याद समझिए कि अगर 6 महीने के भीतर शामिल हो जाए तो कोई बात नहीं, अगर 6 महीने के बाद अगर किसी दल में शामिल होते हैं तो उन्हें भी उनकी सदस्यता को भी रद्द किया जा सकता है। अपवाद, दल परिवर्तन के आधार पर सांसदों व विधायकों की निरता के कुछ अपवाद भी है। यदि कोई सदस्य दल में टूट के कारण अपने दल से बाहर हो गया, दल में टूट तब मानी जाती है जब 1/3 सदस्य मिलकर सदन में एक नए दल का गठन कर लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब ऐसा हुआ कि आप सोचिए
100 विधायक हैं, उनमें से एक तिहाई यानी कि आप कह सकते हैं कि 33% के करीब आपके विधायक अगर एक नई पार्टी का गठन करते हैं तब भी इस तरह की बात की जा सकती है, तब भी आयोग उनके नहीं ठहराया जा सकता है। यदि कोई सदस्य विलय के परिणाम स्वरूप एक दल से दूसरे दल में शामिल हो जाता है, परंतु ऐसा विलय तभी वैध माना जाएगा जब दल के कम से कम 2/3 सदस्य अलग होकर नए दल में विलय करें। कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी चुन लिया जाता है तो उसे अपने दल की सदस्यता स्वैच्छिक रूप से त्यागनी पड़ती है, लेकिन वह सदस्य सदन का सदस्य बना रहता है, अपने कार्यकाल के बाद अपने दल की सदस्यता फिर से ग्रहण कर सकता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि लोकसभा अध्यक्ष देखते हैं आप लोग, राज्यसभा अध्यक्ष देखते हैं, ये अध्यक्ष चुने जाते हैं तो एक इनको बैलेंस बनाकर काम करना होता है। ऐसा नहीं कि जिस पार्टी से चुने गए हैं उसी का पक्ष लें, इन्हें एक बीच का रास्ता चुनना होता है कि आपको अपनी पार्टी की अभी भी उतना ही साथ देना चाहिए और बाकी सदस्यों का उतना ही ख्याल रखना चाहिए। तो इनके बारे में, इन पर ये कानून लागू नहीं होता है। निर्णय लेने का अधिकार, किसी सदस्य की अयोग्यता के बारे में सदन के अध्यक्ष या सभापति का निर्णय अंतिम माना जाएगा, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय फिर उच्च न्यायालय की अध्यक्ष या सभापति के निर्णय की समीक्षा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ याद रखिए, जो आपका लोकसभा अध्यक्ष होता है या फिर सभापति यानी कि राज्यसभा का सभापति होता है, या आप सोचिए कि लोकसभा का सॉरी जो आपके राज्य होते हैं उनके अध्यक्ष होता है, विधानसभा अध्यक्ष, इन निर्णय लेता है, निर्णय के पहले इनके मामले में कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ इनके न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है इनके निर्णय को, याद रखिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्यों प्रासंगिक है दल बदल विरोधी कानून की 10वीं अनुसूची। पार्टी की प्रति निष्ठा के बदलाव को रोकने से सरकार को स्थिरता प्रदान करता है। पार्टी के समर्थन के साथ और पार्टी की घोषणा पत्र के आधार पर निर्वाचित उम्मीदवारों को पार्टी की नीतियों के प्रति वफादार बनाए रखता है। इसके अलावा पार्टी के अनुशासन को बढ़ावा देता है। विरोधी दल के प्रावधानों को आकर्षित किए बिना राजनीतिक दलों के विलय की सुविधा प्रदान करता है। इससे राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिलती है। शासन पर अधिक एकाग्रता संभव है। यह किसी पार्टी को दोषी सदस्यों के लिए दंडात्मक कार्रवाई का अधिकार प्रदान भी करता है। ये आपके 10वीं अनुसूची के प्रॉफिट हैं, एक तरह से लाभ कह सकते हैं, हमारे लिए जरूरी है। एक बात आप लोग समझिए, अगर आप एक विधायक की बात करें हम लोग, तो कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपया, कम से कम मैं बात कर रहा हूँ, 1-1.5 करोड़ रुपया खर्च होता है एक बार की चुनाव में। आप सोचिए पैसा कहाँ से आता है, जनता का ही तो पैसा है। इसलिए संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि एक सरकार 5 साल चले, ऐसा ना हो कि उससे पहले ही चुनाव करवाना पड़े जाए। चुनाव करवाना पड़ जाएगा, जनता का खून चूस कर जो पैसे इकट्ठे किए जाते हैं उन्हीं का उपयोग होने लगेगा। तो इन्हीं को रोकने के लिए इसी तरह की व्यवस्था की गई थी। क्यों की जाती है दल बदल विरोधी कानून 10वीं जो अनुसूची है इसकी आलोचना। दल बदल विरोधी कानून को गैर लोकतांत्रिक माना जाता है क्योंकि यह जनप्रतिनिधियों की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करता है। यह जनप्रतिनिधियों के दलगत से ऊपर उठकर अपने स्वतंत्र विचार को रखने व कार्य करने से रोकता है। जनप्रतिनिधि विरोधी कानून पार्टी के विचारों व कार्यों को भी लागू करने के लिए सदस्यों को बाध्य करना, चाहे उस पर उनका विचार मिले क्यों ना, यानी कि उनका विचार एक जैसा क्यों ना हो। कई बार जनप्रतिनिधि इस कानून की वजह से अपने क्षेत्र के लोगों और परिस्थितियों के अनुसार अपना मत व्यक्त नहीं कर पाते क्योंकि उनके दल का मत उनसे उससे भिन्न हो सकता है। इस तरह के आप देखिए कि ठीक है, आपको पेपर पर लिखना अच्छी बात है, न्यूट्रल बनाकर रहना, लेकिन इस तरह के नेता अगर मिल जाए आपको तो मैं तो कहता हूं उनकी पूजा कीजिए कि जो आपके बारे में खुद से ज्यादा सोचते हो, वरना आज के नेता क्या है, उन्हें आप लोग बेहतर समझते हैं। क्या है 10वीं अनुसूची कार्यान्वयन से जुड़ी हुई व्यवहारिक चुनौतियां यानी कि समस्याएं। हालांकि दल बदल विरोधी कानून ने व्यक्तिगत लाभ के लिए राजनेताओं द्वारा किए जाने वाले दल बदल को हतोत्साहित किया है, लेकिन इस अधिनियम में कई कमियां भी हैं जो इस कानून की प्रभाविकता को कम कर रही है। अध्यक्ष और सभापति का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, चूंकि अध्यक्ष सभापति का निर्णय अंतिम होता है इसमें, तो ऐसे में यह देखा गया है कि यदि सत्तारूढ़ दल के पक्ष में दल बदल हुआ है तो अध्यक्ष और सभापति द्वारा दल बदल विरोधी कार्रवाई और निर्णय में देरी की जाती है। आप लोगों ने कई राज्यों में देखा है कि उनकी अयोग्यता का निर्णय तब आया है जब पूरी तरह से उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समझ में आया।
मणिपुर मामले 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की थी। ऐसे ही उदाहरण कई राज्यों तमिलनाडु आंध्र प्रदेश आदि में भी देखने को मिले हैं। सरकार को अस्थिर करने के लिए मंत्री पद का लालच, कई राज्यों में आप लोग इसे देख भी रहे हैं अभी भी। सत्तारूढ़ सरकार को गिराने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त के माध्यम से दल बदल या फिर विधायकों के इस्तीफे का उपयोग किया जाता है। विपक्षी दल द्वारा दल बदलुओं मंत्री पद बाधा किया जाता है। कहने का मतलब कि आपने देखा है कि पार्टी छोड़कर आता है तो उसे पद दे दिया जाता है, मंत्री बना दिया जाता है बिना चुनाव लड़े, समझ रहे हैं? ये फायदा ही तो है। हालांकि 10वीं अनुसूची पुनः चुने जाने के तक उन लोगों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्ति पर रोक लगाती है जिन्हें आयोग घोषित कर दिया जाता है, लेकिन यह प्रावधान तब बेकार हो जाता है जब नियोग घोषित होने वाले व्यक्ति 10वीं अनुसूची की कार्रवाई से पहले ही अपनी सदस्यता और अपने मूल दल से इस्तीफा दे दे। आपने MP में देखा होगा कि वहां से जो भी इस्तीफा देके आए उन्हें मंत्री बना दिया गया है। कांग्रेस के कई छोड़ के आए थे जो साथी, उन्हें मंत्री बना दिया। अगर इन्हें 10वीं अनुसूची के तहत अगर इनकी सदस्यता रद्द की जाती तो याद रखिए इन्हें मंत्री नहीं बनाया जा सकता था। तो ये भी चतुर होते हैं, इन्होंने क्या किया कि पहले ही अपनी सदस्यता त्याग दी, इस्तीफा दे दिया सदस्यता से, तो इसलिए BJP के साथ मिलकर इन्होंने अपना मंत्री पद मिल गया। इसके बाद वह उपचुनाव में पुनः नियुक्त होने से पहले कम से कम 6 महीने के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। कर्नाटक में कुछ इसी प्रकार का उदाहरण देखा गया था। एक और हमारे क्या है, संविधान में प्रावधान है कि आप 6 महीने तक प्रधानमंत्री का पद भी मिल सकता है किसी भी को, बस लेकिन 6 महीने के अंदर आपको या तो राज्यसभा या लोकसभा से सदस्य बनना होगा। आप मंत्री भी बन सकते हैं, बस आपको 6 महीने के अंदर किसी भी सदन के किसी भी सदन से आपको चुना जाना होगा। इसी तरह आप राज्य में भी देखते हैं, राज्यसभा से या फिर विधान परिषद से आपको चुना जाना पड़ता है। 6 महीने के लिए आप लोग बन सकते हैं पहले, उसके अंदर आपको चुनना अनिवार्य है, वरना आगे नहीं बढ़ सकता है आपका। दोषियों को राज्यसभा के लिए नामित किया जा सकता है फिर भी उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। राज्यपाल की शक्तियों का दुरुपयोग, स्पीकर द्वारा दल बदल विरोधी कार्रवाई करने से पहले ही राज्यपाल सदन में शक्ति परीक्षण निर्देश दे देता है जिससे सरकार ही गिर जाती है। राज्यपाल का यह कृत्य स्पीकर को 10वीं अनुसूची के तहत उसके कार्यों का निर्वहन करने से भी रोकता है। याद रखिए आप लोग देखते हैं कि राज्यपाल पर भी सवाल उठते रहते हैं, क्योंकि केंद्र में जिसकी भी सरकार होती है अधिकतर एजेंसियां होती हैं और अधिकतर जो भी पद होते हैं इस तरह का दुरुपयोग करते हैं। ये आज की बात नहीं है, कोई भी पार्टी केंद्र में रहे उसके समय में भी यही देखने को मिलता है। अध्यक्ष और सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, दल बदल के दोषियों द्वारा इन कानून के तहत होने वाली कार्रवाई को रोकने के लिए इसका प्रयोग भी किया जाता है। इसका उदाहरण नबाम रेबिया मामले में ही देखा गया, जब दल बदल की कार्रवाई का सामना कर रहे विधानसभा सदस्यों ने विधानसभा स्पीकर के विरुद्ध ही अविश्वास प्रस्ताव ले आए। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची की खामियों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव क्या हो सकते हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए। अयोग्यता संबंधी निर्णय पर वर्ष 2002 में दिनेश गोस्वामी समिति और न्यायमूर्ति MN वेंकट चिलिया की अध्यक्षता वाली संविधान की समीक्षा समिति ने राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा चुनाव आयोग से एक ठोस निर्णय की सिफारिश की थी। दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा कि अयोग्यता उन मामलों तक सीमित होनी चाहिए जहां एक सदस्य स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है, बी एक सदस्य वोट देने से परहेज करता है, या फिर वोट के अविश्वास प्रस्ताव में पार्टी बी के विपरीत वोट करता है। विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट देखी होगी तो उसके अनुसार चुनाव पूर्व चुनावी मोर्चों को दल बदल विरोधी कानून के तहत राजनीतिक दलों के रूप में माना जाना चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक दलों को व्हीप जारी करने को केवल उन मामलों में सीमित करना चाहिए जब सरकार खतरे में हो। मणिपुर मामले 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित सुझाव दिए जिन्हें लागू करने की आवश्यकता है, कौन कौन से सुझाव हैं? निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष सभापति के स्थान पर किसी बाह्य निर्णय तंत्र अथवा अधिकरणों को निर्णय लेने वाले अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। दल बदल के मामलों में 3 महीने के अंदर यानी कि निर्णय दे देने चाहिए उनकी सदस्यता के पर। 10वीं अनुसूची में मौजूद अपवादों जैसे दल विच्छेद, 1/3 सदस्यों द्वारा अलग दल बना लेना या फिर दल विलय यानी कि 2/3 सदस्यों का दूसरे दलों में विलय को समाप्त किया जाना चाहिए। जो भी सदस्य अपने दल से इस्तीफा देता है
या फिर आयोग ठहराया गया है उसे दल बदल विरोधी कानून के तहत 6 महीने या फिर या 1 साल के लिए मंत्री के रूप में नियुक्ति से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए या फिर उसके चुनाव लड़ने पर ही रोक लगा देनी चाहिए। अध्यक्ष सभापति को सभी प्रमुख दलों द्वारा चुनाव से पहले सर्वसम्मति से चुनने की ब्रिटिश मानदंड अपनाया जा सकता है। इससे अध्यक्ष और सभापति के राजनीतिक और नैतिक दायित्व में सुधार होता है। यानी कहने का मतलब है, आप देखते हैं ब्रिटिश में क्या होता है, ब्रिटेन में, कि वहां जो भी अध्यक्ष चुना जाता है, एक बार अध्यक्ष बन गया, लोकसभा का अध्यक्ष, आपके यहाँ जैसे लोकसभा का अध्यक्ष कोई बन चुका है, वो जिंदगी में जब तक लोकसभा का अध्यक्ष रहता है तब तक उसे उसके सामने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जाएगा। अभी आप देखते हैं कि अगर कोई अध्यक्ष है तो उसे आशा रहती है कि आगे अगर वो ऐसा कोई निर्णय लेता है जो आप अपनी सरकार के विरोध में जाकर लेता है निर्णय, तो उसे अगली बार टिकट नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो आपकी अपनी पार्टी के ही पक्ष में अधिकतर निर्णय देता है। सदन के मामलों में हस्तक्षेप करने की राज्यपाल की भूमिका को भी प्रतिबंधित करने की बात की जा रही है इसमें। लास्ट में कह सकते हैं कि दल बदल जैसे राजनीतिक साधनों के प्रयोग के माध्यम से सत्ता की प्रवृत्ति प्रवृत्ति में जल्दी से जल्दी रोक लगानी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि दल बदल विरोधी कानून की खामियों को दूर करने के लिए 10वीं अनुसूची में कानूनी बदलाव किए जाएं। यह न सिर्फ भारत के संविधानिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक है बल्कि लोकतंत्र की व्यवस्था में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। तो ये कहानी आपकी दल बदल विरोधी कानून की, ठीक है।